पिछले दिनों आपने देखा होगा कि गोदी मीडिया ने तबलीगी जमात को लेकर किस तरीके की फेक न्यूज चलाई है, अफवाह फैलाई और एक धर्म को टारगेट किया है। आप जैसे कि जानते हैं तबलीगी जमात और निजामुद्दीन मरकज को बताया कि कोरोना वायरस अगर पूरे देश में फैला है तो इन दोनों की वजह से फैला है और मुसलमानों ने पूरे देश के अंदर कोरोना वायरस फैलाया। पर ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, एक डेढ़ महीने पहले ही तबलीगी जमात का नाम भी नहीं था, एक डेढ़ दो महीने पहले ही कोरोना वायरस का मरीज भारत के अंदर आ गया था, जब तबलीगी जमात और निजामुद्दीन मरकज का इन गोदी मीडिया के मुंह पर कोई भी नाम नहीं था। बस इन्हें तो मुसलमान दिख गया, मुसलमानों को देखकर इन्होंने पूरे देश के अंदर लोगों के दिमाग में ये इमेज बना दी पूरे देश के अंदर कि अगर कोरोना वायरस फैलाया तो मुसलमानों ने फैलाया। दोस्तों अब एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि छत्तीसगढ़ का मामला है जिसमें तो 159 लोगों में से 51 लोग तो मुसलमान निकले, यानी तबलीगी जमात वाले निकले हैं, वहीं 108 हिंदू निकले हैं। यानी इसमें गोदी मीडिया की भी कमी सामने निकल कर आ रही है, वहीं प्रशासन की भी कमी सामने निकल कर आ रही है। बिना पूछे किसी की जांच करें उन्होंने बता दे कि 159 जो लोग हैं ये तबलीगी जमात वाले, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब ये खबर मिली तो तब गोदी मीडिया को मौका मिल गया तो उन्होंने ये फेक न्यूज चलाई कि 159 छत्तीसगढ़ में भी संक्रमित पॉजिटिव पाए गए हैं तबलीगी जमात वाले, उनमें भी पॉजिटिव यानी पॉजिटिव केस हो सकता है, क्वारंटाइन किए गए थे 159 तबलीगी जमात वाले। ये खबरें चलाई पर उसमें सिर्फ 51 लोग ही तबलीगी जमात वाले थे, 108 हिंदू निकले थे, यानी हिंदू निकले थे तबलीगी जमात वाले, पर वो तबलीगी जमात वाले नहीं थे। पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दिल्ली के निजामुद्दीन के तबलीगी जमात मरकज से वापस लौटने वाले 52 व्यक्तियों का पता लगाने के लिए गहन तलाशी अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की कथित रूप से निजामुद्दीन के तबलीगी जमात मरकज से छत्तीसगढ़ लौटे जिन 159 लोगों की सूची के आधार पर अदालत ने यह आदेश जारी किया कि उसमें से 51 मुस्लिम और 108 गैर मुस्लिम है। दरअसल ये वो लोग हैं जिनका नाम छत्तीसगढ़ सरकार को भेजी गई 159 नामों की उस सूची में शामिल है, जिसका मोबाइल फोन 13 से 16 मार्च के बीच दिल्ली के निजामुद्दीन में उस मरकज के पास एक्टिव था, जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बड़ी संख्या मिलने के बाद देश भर में चर्चा में है। जबकि सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम तरह की फर्जी पोस्ट किए जा रहे हैं और भ्रामक जानकारियां शेयर की जा रही है। अभी भी सोशल मीडिया पर जमात मरकज को लेकर कई झूठ और भ्रामक खबरें प्रसारित की जा रही है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस गौतम बहादुरी की पीठ ने गुरुवार को कोविड-19 से जुड़े कई मामलों की एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से की गई सुनवाई के बाद ये आदेश जारी किए। कोविड-19 से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता की और ये जानकारी पेश की गई कि नई दिल्ली के निजामुद्दीन के तबलीगी जमात मरकज में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ राज्य में लौटे लोगों की जांच नहीं की गई है। ये की गई, ये तो राज्य ने मतलब हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ की हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है दोस्तों। वहीं बीबीसी के एक रिपोर्टर के अनुसार याचिकाकर्ता के वकील गौतम शेठपाल ने निजामुद्दीन के तबलीगी जमात मरकज से छत्तीसगढ़ लौटे 159 लोगों की जो सूची बीबीसी को उपलब्ध कराई है उसमें से 108 गैर मुस्लिम है, इसी सूची में सबका नाम पता और सेलफोन नंबर जारी है। यानी बीबीसी को जो खबर मिली है उसमें से 159 में से 51 मुस्लिम है और 108 गैर मुस्लिम है। यानी प्रशासन ने सिर्फ मोबाइल नंबर देख के ही बता दिया कि ये तबलीगी जमात वाले हो, उनको सरकार को भेज दी डिटेल और डिटेल सरकार ने उनको क्वारंटाइन कर दिया। फिर ये मीडिया को मिल गई खबर, मीडिया ने ये पूरी जोर से उछाला, उन्हें तो एक मुसलमान दिख रहा था कि मुसलमान है, तो उन्होंने फेक न्यूज पूरी तरीके से पूरे देश में बदनाम कर दिया मुसलमानों को कोरोना वायरस को लेकर। तो चलिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।